एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान से मुतालिक अहम फैसले आइंदा होने वाले इजलास में करेगा। हतमी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वक्त आज पेरिस रवाना होगा। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद का कहना है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि फजल रहमान कश्मीर कमेटी और इक्तदार चाहते हैं, लेकिन वो अपने हल्के से इलेक्शन तक नहीं जीत सकते। लाहौर की अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी दे दी है। अदालत ने आइंदा जमानत पर तफ्तीशी अफसर को भी रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास की तारीख में तब्दीली कर दी गई है और अब इजलास 16 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। काबीना मुल्क के सियासी और माशी सूरत हाल समेत 15 नकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि जमहूरी हुकूमत में एहतजाज होते रहते हैं, हमें इस पर एतराज नहीं, ताहम अपने मफादात के लिए मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल ना करें। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 9 माह में 50 करोड़ रुपए चालान की मद में जमा कर लिए। एसएसपी ट्रैफिक का कहना है कि वजीर आजम पोर्टल के जरिए शिकायत पर भी फौरन कार्रवाइयां की जाती हैं। पाकिस्तान में सिटीजन पोर्टल अवाम की दादरसी का मौसर तरीन जरिया बन गया। शिकायत का फौरी अजाला होने पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा का अहम इजलास आज लाहौर में हो रहा है, जिसमें आज़ादी मार्च से मुतालिक हतमी फैसले का इम्कान है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ और नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 29 अक्टूबर को समाअत करेगा। पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। एक ही रोज में 193 नई मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। ज्यादातर मरीज रावलपिंडी से रिपोर्ट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साहिबान न्यूज़, मैं हूं आपके साथ खुजरा फहीम। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sahibaan.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।